रामचरित मानस पर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा बयान दिया है जिससे उत्तर प्रदेश में सियासी हड़कंप मच गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरित मानस की कुछ पंक्तियों को बकवास बताते हुए बैन करने की मांग की है, प्रतिबंधित करने की मांग की है। यूपी के पूर्व मंत्री ने कहा कि रामचरित मानस की कुछ पंक्तियां एससी एसटी और ओबीसी के लोगों की भावनाओं को आहत करती हैं और अपमानित करने वाली है। कुछ पंक्तियों में सीधा सीधा जातियों के नाम का जिक्र है जिससे लाखों लोगों की भावना आहत होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी विभिन्न प्रतिक्रियाओं में कहा, धर्म का वास्तविक अर्थ मानवता के कल्याण से होता है, लेकिन रामचरित मानस की कुछ पंक्तियों के कारण 85% लोगों का जाति वर्ण और वर्ग के आधार पर अपमान होता है। कुछ पंक्तियों में तेली कुम्हार जैसी जातियों का नाम लिया गया है, इससे लाखों लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। इसलिए ऐसी पंक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, इन्हें बैन कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि रामचरित मानस में चौपाई लिखी है जिसमें तुलसीदास दलित ओबीसी और आदिवासी को अधम जात का होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्राह्मण भले ही दुराचारी हो, अनपढ़ हो और गंवार हो, लेकिन ब्राह्मण होने के नाते उन्हें पूजनी बता दिया गया है, लेकिन शूद्र कितना भी ज्ञानी विद्वान हो उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता हो। बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को अज्ञानी बता रहे हैं तो वहीं सपा के कुछ विधायक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुछ विधायक उनका निजी बयान बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वहीं भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी लौटन राम निषाद ने बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को सही बताया है और समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सपा के भीतर आरएसएस के एजेंट घुसे हुए हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो साझा जरूर करें। जय हिंद।